कोसी में कोटवन चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एक ट्रक को रोका गया। ट्रक रुकने पर ही उसमें सवार दो लोग उतर कर भागने लगे, तो पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके दबोच लिया, जिसमें एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें एक गोपनीय बॉक्स नजर आया, जिसमें 65 पेटी डिलक्स विस्की बरामद की गई। इस बरामद विस्की की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में सुनील सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज, तो दूसरा विजेंद्र पुत्र कल्याण सिंह निवासी नूना माजरा बताया गया, जबकि उनका तीसरा साथी भाग निकलने में सफल रहा। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? शराब माफियाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी महोदय द्वारा विशेष तौर पे इस पे एक अभियान चलाने के लिए एक कार्यक्रम मनाया गया है, जिसके तहत सीईओ, एसडीएम और आबकारी अधिकारी और पूरे थाने की पुलिस अलर्ट रहती है और लगातार छापेमारी और चेकिंग चलती रहती है। पिछले दिनों आपने सुना होगा जो बाराबंकी में जो जहरीली शराब पीने से मर गए थे लगभग 15 व्यक्ति, उसी के ध्यान में रखते हुए डीजीपी साहब के निर्देश हैं कि लगातार चेकिंग करें और ये जो शराब की तस्करी हो रही है और ये जो डीसी शराब बन रही है, इस पर लगातार अंकुश लगाया जाए। उसी के तहत एक विशेष चेकिंग चालू थी और हमारी जो कोटवन चौकी थाना कोसी कला में, वहाँ पर चेकिंग के दौरान एक कैंटर जब संदिग्ध पाया गया, जिससे रुकवाने की कोशिश की गई, वहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर ने भागने की कोशिश करी, उनको गेयर घोट के पकड़ा गया। उसके बाद से 65 पेटी दारू पकड़ी गई है, जो कि सिल्वर डिलक्स विस्की है, जिसकी अनुमानित लागत बाजार में लगभग 2 लाख रुपए है, और दो जो उसके कंडक्टर ड्राइवर थे उनको पकड़ लिया गया है। और ये एक जो प्लास्टिक की क्रेट होती है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती है, उसके नीचे इनको छुपा के रखा गया था। ये नए नए तरीके ये अपनाते हैं, जिससे कि ये धोखा दे सकें, पुलिस को धोखा दे सकें। और इसमें पूरा श्रेय हमारे जो इंस्पेक्टर हैं कोसी कला रवि त्यागी और हमारे जो कोटवन चौकी चार्ज हैं मदन सिंह, इनको जाता है। इनकी जो तत्परता थी, उसकी वजह से ये गाड़ी पकड़ी गई और ये सफलता है। उसके लिए एक अंकुश लगता है शराब माफियाओं पर और पुलिस की एक बड़ी सफलता है। जब इसमें रोकथाम चल रही है और विशेष अभियान चल रहा है। सर, क्या पता लगा कि ये जो हैं कहाँ से हैं, कब से तस्करी कर रहे थे, कितने लोग? देखिए, ये दारू जो है ये हरियाणा से लेके आई गई थी और ये सेल फॉर ओनली उत्तराखंड थी, और ये इसको बिहार में ले जा रहे थे अपने आर्थिक फायदे के लिए।